तो सभी बच्चों से एक ही सवाल है आशी के बारे में, एक उसका मतलब अच्छी बात और एक बुरी बात, जो उसमें में एक क्वालिटी अच्छी हो और एक बेकार क्वालिटी हो, वो बता नहीं, वो तो दूसरे को पता होती है ना, हमको नहीं पता होती है, तो वो बताना है। और किसी को भी नहीं लगना चाहिए, नहीं दूसरे का नंबर भी आएगा, हाँ मतलब किसी को भी बुरा नहीं लगना चाहिए, ये गेम भी है और अपने को पता भी चलेगा कि हमारे अंदर क्या गुण है, क्योंकि हर किसी को बुरा लग जाता है बुराई सुनकर, और इम्प्रूव करना हुआ खुद को, इसलिए ये एक गेम नहीं है, मतलब ये सोचो कि हमको खुद भी पता चलेगा, ऐसा कोई नहीं पूछेगा, सबसे सबके बारे में सबको पता चलेगा, ऐसे ऐसे पहले देखो स्टार्टिंग शानवी से ही होगी, क्योंकि शानवी यहाँ बैठी है इसके बगल में, जस्ट तो शानवी बताएगी भव्या के बारे में, पहले स्टार्टिंग में भव्या की एक अच्छी बात और एक बुरी आदत। बुरी आदत बहुत जल्दी जल्दी मतलब गुस्सा हो जाती है, ये बात है ठीक है, और अच्छी बात तो सभी सब और बाकी सब मिला गुस्सा तो मैं होती है तो मेरे को पता ही है, मेरे को पता है। अब बारी है काव्यांजलि की, जल्दी जल्दी मान जाती है गुस्सा होती है तो, पर बोलती बहुत बकर बकर बहुत बोलती है, बहुत बहुत अनोइंग है, बहुत बोलती रहती है। चलो ज्यादा बोलना भी एक ज्यादा अच्छा नहीं है, मतलब चलो और ये बताएंगे अब भाभी का। बुरी बात ये है कि बहुत नखरे करती है कभी कभी क्लास में, करती है ये नखरे, फिर उसके बाद हमें अजीब हो जाता है, फिर उसके बाद उसके नखरे देखकर। अच्छी बात ये है कि ये इसका स्वभाव बहुत अच्छा लगता है मेरे को, और ड्राइंग अच्छी बना लेती है, ड्राइंग में तो सुपर है। आप आराध्या बताइए। मुझे हैंडराइटिंग और ड्राइंग अच्छी लगती है, और ये बहुत चिल्लाती है, बहुत चिल्लाती है, जस्ट पीछे बैठ के रही और मेरे इतनी चिल्लाती है पीछे से। घर में पापा भी इसकी चिल्लाने से परेशान रहते हैं। अब ये बताएंगे। अच्छी बात तो सभी अच्छा है, पर बुरी बात ये है कि मतलब जिससे बहुत ज्यादा क्लोज होती है ना उसको बहुत मारती है, मतलब मेरे को पूरी यादव मुझे भी नहीं बता दी। मुझे बाकी सब तो अच्छा लगता है। एक मिनट हाँ उसके बारे में सब कुछ तो ठीक है, बट हाँ वो थोड़ा चिल्लाता है। सही है, तो आशी को बस मतलब एक इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, एक तो थोड़ा नखरे कम करने हैं और चिल्लाना कम है, और उनको तो मारना नहीं है, मतलब जो बगल में बैठेगा उसे मारना नहीं है। वैसे मेरे को ये नहीं पता था क्योंकि मैं बड़ी हूँ, मेरे को नहीं मार पाई आज तक, इसलिए मुझे ये आदत नहीं पता थी चिल्लाने वाली, मुझे पता है नखरे तो पता ही पता है, नखरे तो इसको। अब बारी है ये शानवी के बारे में बताएगी, पहले आशी बताएगी। बात ये लगती है कि इतना सोचना पड़ रहा है, अच्छी है ये, और क्या, रुको ना स्पेसिफिक बात सोचती हूँ कि क्या अच्छा लगता है इसे। इनोसेंट लगती है ना बहुत, ये ज्यादा हंसती है तो अच्छी लगती है, और वैसे अच्छी है मतलब, और इसकी बुरी बात ये है कि ये लोगों पे भरोसा बहुत जल्दी कर लेती है। वाओ मेरी तरह सही है, ये बहुत गलत बात होती है, इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए। चलो ठीक है, मतलब हाँ वैसे एक ही अच्छाई है तो सारी होती है इंसान में, एक बुराई बता देंगे वही बड़ी बात है, क्योंकि अच्छाई तो शायद सारी लगती है, फ्रेंड हो तो अच्छा ही है सब में एक दूसरे को लगती है, तो अब ये बताएंगे। किसी के बारे में बुरा नहीं सोचती है, बहुत इनोसेंट है, ये मुझे भी लगा, मुझे भी लगा, हाँ ये किसी की बातों में बहुत जल्दी आती है, तो मतलब इससे आप लोगों को इम्प्रूव करना अपने आप को इस चीज को, मतलब कि आशी तो बिल्कुल इस मामले में किसी पे भरोसा कर ही नहीं रखती है, ये किसी पे भरोसा नहीं कर पाती है, सब पे भरोसा कर लेती हूं, मेरे को भी अपने आप पे, मुझे भी लगा मेरे पे ही नहीं करती तो और मैं क्या ही करेगी। मम्मी आप अपने लिए अच्छा कर रही हो, आप अपने लिए ऐसा कर रही हो, आपने पक्का अपने लिए मंगाया होगा। क्यों जी नहीं पार्सल आएगा तो आपके ही आया होगा, पक्का आपका ही आया होगा। अब भाविका की बारी है। मेरे को शानवी की हर आदत ही अच्छी लगती है, मेरे को उसके बारे में अभी तक कोई बुरी आदत नहीं लगी है। ओ, क्लैपिंग 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 नहीं क्लैपिंग नहीं लगी तो नहीं लगी ना, फिर आपके लिए क्लैपिंग भाई क्लैपिंग करनी चाहिए। बहुत प्यारी सी लगती है मुझे, और मतलब जैसे इससे कोई कितना भी बुरा कहे वो अपने आप चली जाके उनसे बात करने लग जाएगी, उसको कोई वो नहीं होता है। ये मतलब एक अच्छी क्वालिटी है, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी है, जो भी मेरे है। वो मुझे पता है, बहुत अच्छी है। भव्या तो है ही अच्छी, भाविका वाला ही आंसर है, मैं अभी तक उसको इतना अच्छा जानती नहीं हूँ कि
मतलब टच में कम हो? नहीं टच में हूँ पर इट्स लाइक कि मैं अभी तक उसकी कोई ऐसी बुरी आदत नहीं जानती। अब आप इनकी बारी। तो उसका बोलने का तरीका बहुत अच्छा। आशी चुप रहा करो बेटा जब दूसरे की बारी है। कुछ पूछो या फिर कुछ बताओ तो वो ढंग से रिस्पॉन्ड करती है। कुछ बुरा तो इसमें देखिए आशी का रिस्पॉन्स। मेरी अच्छी बात ये भी है ना खुद ही बता देती हूँ अपनी अच्छी बात कि मैं उनको हंसाती हूँ कि तुमको अच्छा लगता है। चलो।